भाई आपका भाई अलर्ट हो गया, 1 to 5 की आवाज आई है, 1 to 5 की आवाज आई है भाई। आप बैठते हैं गाड़ी में, चलते हैं अपने घर पे। होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों ने, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से ठीक ठाक है, मजे है भाई। आज आपके भाई को जो टास्क मिला है ना, यकीन करें बहुत ही कोई मुश्किल टास्क है, लेकिन आपका भाई वो टास्क आराम से कर लेगा इंशाल्लाह। सीन ये है कि आज आप देख सकते हैं वीआईपी पॉप्सिकल में कोई भी स्टाफ नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, सिर्फ एक हसनैन भाई नजर आ रहे हैं, और आज हमने हायर कर लिया वजन कैशियर काफी टाइम बाद अब्दुल बासित भाई को, और आमिर भाई तो ऐसे ही शुगर लगाने के लिए आ गए, ठीक है। और जो है आपका भाई पता है कौन सी ड्यूटी कर रहा है आज, देखें आप दुकान के बाहर कोई भी गार्ड नहीं, क्योंकि आज हमने सबको छुट्टी दे दी है, सब चिल करें। ये देखें भाई आज कोई भी नहीं है, समझ रहे हैं, कोई भी नहीं है। तो आज आपके भाई की जो ड्यूटी है वो है गार्ड की ड्यूटी, सही है। अब गार्ड की ड्यूटी जो है ना आपके भाई ने आज करनी है फर्स्ट टाइम, तो उसी की तैयारी है। एक्चुअली हमारा प्लान हो रहा था आज छुट्टी वाला दिन है, एक्चुअली हमारा प्लान हो रहा था कि हम जो है ना दोस्त सारे लॉन्ग ड्राइव पे कहीं निकल जाए, लेकिन फिर हमने बोला कि यहीं पे माहौल बनाएंगे, यहीं पे खापा छापा करेंगे, सब कुछ यहीं पे करेंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आ जाए। यार अब एक बात बताएं, आप कैसे गार्ड हैं, ना आपका यूनिफॉर्म नजर आ रहा है, ना आपका वेपन नजर आ रहा है। भाई सामान जरूरी नहीं है कि दिखाएं, सही है ना, हम हर वक्त रेडी रहते हैं, ठीक है भाई। वैसे तो लाइव देख के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फैमिलीज के साथ भी आ रहे हैं। जब फैमिलीज के साथ आते हैं ना तो मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर लेता हूँ, समझ रहे हैं। ये जो है ना अभी बच्चा पार्टी आई है, फैमिली के साथ नहीं आई है, कहाँ से आया? ये नहीं बोलना लाइव देख के आए हो, हैदराबाद से लाइव देख के तो नहीं आए। अच्छा ऐसे ही आए हुए थे और यहाँ आके आपको पता चला लाइव है, ओके ओके जबरदस्त। चले भाई वेलकम, मिलते हैं भाई बच्चों से, मिलते हैं और भी फैमिलीज आएगी उनसे भी मिलते हैं। और भाई ये जो बच्चों को आप देख रहे हैं ना, ये बच्चों के बाबा ने मुझसे शिकायत कि आप लाइव क्यों आए हैं, मैं इलेक्शन का देख रहा था सीन क्या चल रहा है न्यूज के ऊपर, और बच्चों ने बोला मुस्तफा भाई लाइव है और फटाफट चले, तो आप लेके आ गए हैं सबको। और ये बच्चों के बाबा को हमने कहा कि भाई डाल दें अपना नाम और मोबाइल नंबर इसके अंदर, लेट्स सी क्या होने वाला है इसका मंथ एंड पे। शाम तक हमारा कोई मूड नहीं था आज ब्लॉग बनाने का, मतलब आज फुल चिल डे चल रहा था। मैं बच्चों को लेकर बाहर निकला हुआ था, फिर मैंने जो है ना रोजा खोलने के टाइम पे मैं घर नहीं पहुंच सका, सही मैं लेट हो गया, बच्चों को मैंने घर पे छोड़ा, मैंने सिर्फ पानी पिया। और इसके बाद हालांकि घर पे सब जमा हुए थे, मतलब बहने वगैरह सब आई हुई थी, तो उसके ऊपर मेरी टाइट वाली क्लास होने वाली है, तो मैंने जो है ना घर से मंगवा लिया खाना, जो मेरा डाइटिंग वाला खाना था ना वो भी यूसुफ लेके आ रहा है, तो मैं यहीं पे बैठ के खाऊंगा। और इन लोगों ने डाइटिंग वाला खाना नहीं खाना, तो इन लोगों ने मंगवाया है वॉक ऑन फायर। फाइनली मेरा जो है ना इफ्तार का खाना आ गया, देखें भाई बेगम ने मुझे जो है ना क्या एक पानी की बोतल दी है, ठीक है जी। और ये क्या है, इसके अंदर मेरी चिकन है डाइटिंग वाली, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है ना फ्रूट चाट बना के दिया हुआ है, सही है। अब जो है ना मैं खाना खाऊंगा, दोस्तों का भी जब खाना कंप्लीट आ जाएगा ना सेटअप, फिर खाऊंगा। हाँ भाई आप कैसे हैं, ऐसे ही गुजर रहे थे यहाँ से या लाइव देख के? लाइव देख के आए भाई। कौन कौन सी ली है इन्होंने भाई, चेक करें। वाह भाई वाह, ब्लैक करंट आ गई, कीवी आ गई, और ये आ गई भाई चॉकलेट बाउंटी। भाई अब जो है ना तफरियां वफरियां बहुत हो गई, जरा गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ ना, तो जरा बाहर भी चक्कर लगा के आ जाऊँ ना, समझ रहे ना, मतलब थोड़ा सा चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि जो है ना थोड़ा सा सन्नाटा भी हो जाता है भाई, बहुत जरूरी है, हर जगह नजर रखनी पड़ती है, समझ रहे हैं भाई। एक बात बताएं, आपकी शॉप पे मैं आज गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ एक दिन के लिए, ठीक है, तो आप मुझे दिहाड़ी कितनी देंगे? देखिए मैं गाड़ी में आया हूँ, उसमें भी डीजल लगता है, और आप देखें पर्सनालिटी के भी हिसाब से कुछ पैसे होते हैं, तो क्या कहते हैं आप, कितने पैसे देंगे? आपको दिहाड़ी भी मिलेगी और खाना भी मिलेगा। खाना तो वैसे आप ले, खाना तो मेरी बेगम ने दे दिया, दिहाड़ी कितनी देंगे? 1000 रुपए में मुझे काम ही नहीं करना, इतना तो मेरा डीजल लगे। 5000 रुपए पक्की बात है? हाँ 5000 मिलेंगे तो करेगा भाई। भाई फुल माहौल बन गया है यहाँ पे, हमारा खाना भी आ गया है और जीशान भाई भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? जबरदस्त, चलें भाई अब मजा आएगा डिनर करने में। यहाँ पे ये आ गया वॉक ऑन फायर, सही है। और ये देखें भाई ये डायनामाइट सॉस अलग से आया है, ये उनकी मोहब्बत है जो उन्होंने भेजा है। खोले भाई खोले, ओए हाय हाय हाय, मेरी वाइफ ने मेरे लिए डाइटिंग वाला खाना भेजा है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको वहीं पे संभाल के रखूं और इसके ऊपर हाथ साफ करूं। और ये क्या डायनामाइट प्राउन भेजे है, वाह भाई वाह। तुम अपने घर का खाना खाओ। क्या मैं अपने घर का खाना? हाँ मैं अपने घर का खाना भी खाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आय हाय हाय हाय, ये देखिए भाई गर्मा गर्म धुएं निकल रहे हैं यार, फील द हीट। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया भाई। खाना वाना तो चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे भी नजर रख के बैठा हूँ, मतलब आपका भाई गार्ड है, समझ है ना, मतलब भूला नहीं हूँ मैं। और ये आ गई भाई वॉक ऑन फायर की चिकन गर्मा गर्म। क्या मसाला है यार, क्या स्पाइस लेवल है, ये बीफ है, खोलो खोलो खोलो, आसानी करो भाई। किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का इतना मजा नहीं आता जो आप दोस्तों के साथ बैठ के खाते हैं, बेशक आप किसी फुटपाथ पे बैठ के खा रहे हो। देखिए अभी हमारे पास कुर्सियां नहीं है पूरी, ये लोग नीचे बैठे हुए हैं, मेरी टाइम का मसला है इसीलिए मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। आमिर भाई कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कोई जमीन पे बैठा है, लेकिन बस असल माहौल यही होता है। आए हाय हाय हाय, ये आ गया भाई बीफ,
ओ हो, क्या जूसी जूसी बीफ है भाई। ये डायनामाइट सॉस हमने निकाला और इसके साथ मिला के जो हम खाएंगे ना, ओहो डबल मजा आएगा, डबल मजा। ये देख डायनामाइट सॉस का निकाला। भाई आपका भाई अलर्ट हो गया, 1 to 5 की आवाज आई है। 1 to 5 की आवाज आई है भाई। यार इससे पहले कि मैं ओवर ईटिंग कर जाता वॉक खाते हुए, तो मैंने ये देखें अपना डाइटिंग वाला खाना भी निकाल लिया। मैंने बोला यार जरा इसके ऊपर भी जो है ना हाथ साफ करते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया भाई खीरा और ये आ गया भाई चिकन। भाई वॉक से अच्छा ये बेगम भी देखती है ना ब्लॉग, यार समझा करें आप लोग। यार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डिनर कर लिया, बहुत मजा आया भाई यहाँ पे बैठ के डिनर करने में। और मैं वैसे जो है ना जब भी शॉप पे आता हूँ ना, तो मेरी आदत है कि हम लोग कभी ऑरेंजेस मंगा लेते हैं, कभी कुछ मंगा लेते हैं। मतलब यहाँ पे बैठक लगा के कुछ खाने पीने का मजा ही एक अलग आता है। तो अब खाने के बाद ईशान भाई आपने कौन सी आइसक्रीम खा रहे हैं आप? डबल चॉकलेट। और आमिर भाई अपनी सेकंड शिफ्ट लगा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? लीची। वाह भाई वाह। भाई एक बाइक गुजर रही है यहाँ पे, मतलब बाइक कोई भी गुजरती है ना यहाँ पे, तो आपका भाई फौरन से अलर्ट हो जाता है, फौरन इधर उधर देखने लगता है, दूर दूर तक आपका भाई देख रहा है। साथ साथ तफरियां भी चल रही हैं और दूर दूर तक आपके भाई ने नजर भी रखी हुई है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है भाई। आप भी इंस्टा पे लाइव देख के आए या वैसे ही आए? लाइव देख के आए। क्या बात है, क्या बात है। और सब खैरियत है? चले भाई देखे हमारे कितने छोटे सब्सक्राइबर है, जबरदस्त। खाना कंप्लीट होने के बाद जो होटल की चाय आती है, आए हाय, इसकी जो खुशी है ना वो इन लोगों के चेहरों पे मैं देख सकता हूँ। मुझे तो इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन इतना खुश है ये लोग। देखें भाई ये थैली में से भर रहे हैं, आए हाय क्या बात है। इस सीन को देख के मुझे ही मजा आ गया। अभी आपका भाई बिजी होने वाला है और बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, वो देखे भाई बच्चे आ रहे हैं, यहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं, यहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं। वो बच्चे सोच रहे हैं कि पिक्चर लेने के लिए आए नहीं आए, आए नहीं आए, शर्मा रहे। अरे भाई आ जाओ ना, आ जाओ यार, आ जाओ पिक्चर लेते हैं यार। ये देखो आप व्लॉग में भी आ गए, सही है। और ये छोटा भी आ गया व्लॉग के अंदर। हाँ भाई कैसे हो आप? ठीक हो? अरे वाह भाई। सिक्योरिटी ये देखो, ये बच्चे पैसे नहीं दे रहे। क्या बाकी सब तो पैसे दे रहे हैं अंदर, ये नहीं दे रहे पैसे नहीं दे रहे। भाई आपने आइसक्रीम खा ली, पैसे क्यों नहीं दे रहे? भाई मामू आज खुद जो है ना सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए भाई, अभी आपको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे निकालो भाई, भाई आयशा पैसे निकालो भाई। चलो यार पैसों की कहानी में दबा दूंगा, मुझे थोड़ी सी खिला दो, खा लूं खा लूं। कौन सी? ब्लूबेरी है। कोई मसला नहीं, खिला दी ना, आप जाओ भाई। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार 11:30 बज गए हैं, दुकान तो बंद करें। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अरे यार एक्साइटेड, मतलब भाग भाग के आ रहे हैं क्या? क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच यार, जजाकल्ला। इस वक्त रात के 12 बज गए हैं, दुकान बंद होने का टाइम हो गया है और आपके भाई ने गार्ड की ड्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी करके कर दी है। भाईजान आप मेरी जो है ना दिहाड़ी देते हैं, जो डिसाइड हुई थी 5,000 रुपए, और जो है ना मैं एक पॉप्सिकल भी खाऊंगा। भाईजान ब्लैक करंट निकालें जरा जल्दी से प्लीज यार। हाँ 160 रुपए नहीं दूंगा मैं। नहीं हाजी साहब मुझे ब्लैक करंट चाहिए प्लीज, हाजी साहब ऐसा नहीं करे, मुझे ब्लैक करंट दे दे। चलो ये आ गया भाईजान हमारा ब्लैक करंट, ठीक है जी। और भाईजान यार पैसे दे दें यार, मुझे लेट हो रहा है यार, ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरे। यार ब्लैक करंट कैसी लगी आपको? बेहतरीन है, बेहतरीन। चलते बने हम, बस चलो कल से आना है काम पे या नहीं? नहीं मतलब बहुत महंगे भाई। अच्छा महंगा हूँ मैं? चले यार मेरा एक दिन का तो काम हो गया, 5,000 रुपए भाई, मैं तो चलता हूँ यार। चले भाई आपके भाई की तो ड्यूटी हो गई पूरी, मतलब वीआईपी किस्म का आपका भाई गार्ड बन गया था। आप बैठते हैं गाड़ी में, चलते हैं अपने घर पे। होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों ने